चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबर पे नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। सॉल्वेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने कहा है कि भारत का खाद्य तेल का आयात फरवरी में 23% बढ़कर 983,608 टन हो गया है, जिसका मुख्य कारण रिफाइंड पाम ऑयल के शिपमेंट में तेजी वृद्धि है। रिफाइंड पाम तेल का आयात 6,000 टन से बढ़ाकर 3,02,928 टन हुआ है। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार संघर्ष कर रही है। देश में इस बार सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय तेल उद्योग और व्यापार संगठन यानी कि COOIT के अनुसार इस साल देश में 109.50 लाख टन सरसों का उत्पादन हो सकता है, जो अभी तक के उत्पादन का सर्वकालिक उच्च स्तर है। घरेलू शेयर बाजार में तेजी और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे चढ़कर 76.32 पर पहुंच गया है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76.40 पर खुला। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। भारत को इसका फायदा हो सकता है। भारत रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो भारत इस डील के काफी करीब पहुंच चुका है। इस डील के तहत भारत रूस से 35 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। वैश्विक गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में चौतरफा गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है और दाम कमजोरी दर्शाते हुए बंद हुए हैं बाजार। सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 3.5% की गिरावट आई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज लगभग 2% नीचे था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमजोरी के रुख के बाद दिल्ली सराफा बाजार में सोना 668 रुपये की गिरावट के साथ 51,727 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी के भाव भी टूट गए हैं। चांदी की कीमत 1,390 रुपये की भारी गिरावट के साथ 67,997 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयात निर्यात बिल्कुल बंद होने से भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है। भारत में गेहूं का भाव 30 रुपए किलो के पास पहुंच चुका है। गेहूं की कीमत पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। 19 रुपए प्रति किलो बिक रहे गेहूं का भाव बढ़कर आज 28 से 30 रुपए तक पहुंच गया है। तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन तथा बिनोले, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित सभी तेल तिलहनों के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक मलेशिया एक्सचेंज में 5.5% की गिरावट आई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1.25% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत को लेकर राहत की खबर है। रूस यूक्रेन तनाव के कारण तेल की कीमतों में आया उबाल अब कम हुआ है। लगातार 3 सप्ताह तक $100 बैरल से ऊपर रहने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम नरम होकर $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं। बता दें कि इससे पहले क्रूड ऑयल 7 मार्च को 14 साल के उच्चतम स्तर यानी कि $139 प्रति बैरल पर पहुँच गया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के कारण कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्वार गम की डिमांड घटी है, जिससे ग्वार की कीमतों में गिरावट आई थी, जबकि कच्चा तेल 14 साल से हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। ग्वार की कीमतें तब बढ़ना शुरू हुई जब अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल को खरीदने से मना कर दिया और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।